गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिनी सुर निधिम कुरु। आज हम मौजूद हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन रसलपुर सीढ़ी घाट, और यहाँ पर आप श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या कुछ श्रद्धालुओं का भीड़ है, क्या आस्था है गंगा स्नान करने का। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु मौजूद हैं और मौजूदगी इस बात की है गंगा स्नान करना है। कहाँ आए थे आप? गंगा स्नान करने सर। गंगा स्नान करके आपको क्या कुछ मिला? पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलेगा। भगवान पे श्रद्धा और विश्वास आस्था है? हाँ है, आस्था है भगवान। भगवान पे आस्था रखने वाले बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं जो गंगा स्नान कर चुके हैं। पूजा किए? हाँ पूजा किए हैं अभी। कहाँ से आए हैं आप? हम मोहनपुर से आए हैं। बाबा हैं एक, इनसे जानेंगे कि गंगा स्नान करने के बाद इनको क्या कुछ मिला है। बाबा गंगा स्नान किए? जी हाँ कर लिए। हाँ। कितने दिनों से आप गंगा कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करते हैं? हमको गांव रघुनाथपुर है मुंगेर जिला, अरे बेगूसराय जिला मुंगेर घाट। हमारे नाती के मुड़ना है वही के लिए द्वार में लिए लालपुर से। यह गंगा स्नान गुरु नानक जयंती के रूप में जाना जाता है, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जी का जन्म हुआ था और इसी वास्ते इनको इस दिवस को प्रकाशोत्सव पर्व के नाम से भी जानते हैं और गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे प्रशासनिक स्तर की क्या कुछ सुविधा मुहैया करवाई गई है, क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा है और गंगा में पानी का जलस्तर भी बहुत ज्यादा है। हम लोग जानेंगे कि प्रशासनिक स्तर से क्या कुछ तैयारियां की गई है। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जिला प्रशासन महोदय एवं हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो मोहनपुर ओपी क्षेत्र के अंतर्गत सारे सुख सुविधाएँ दी गई है और यहाँ जितने श्रद्धालु लोग आए हैं सुख शांति से आराम से गंगा स्नान करके लोग जा रहे हैं। अभी तक सब कुछ शांति से चल रहा है? बहुत बहुत अच्छा, अच्छा दिया जा रहा है, देखा जा रहा है, लोगों को हिदायत दिया जा रहा है कि बच्चे हों या कोई भी हो ज़्यादा गड्ढा में नहीं जाए, ऊपर स्नान करके ही। ये तो सर आप लोगों के पास कोई माइक्रोफोन वगैरह है क्या, जिससे आवाज़ श्रद्धालुओं को सुन पा रहे होंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अनाउंसमेंट होता है? अनाउंसमेंट बराबर। प्रशासन के तरफ से भी पूरे सुविधा की मुहैया करवाई गई है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ किस तरह की है गंगा स्नान के लिए। बोट के साथ पानी में खड़े हैं योद्धाओं, इनका परिचय क्या है और किस डिपार्टमेंट से हैं? हम SDRF से हैं, मेरा नाम सुशील पाल है, हम एक कांस्टेबल है। हम लोग को यहाँ पर ड्यूटी लगा है ये कार्तिक पूर्णिमा के गंगा स्नान पे। हम लोग पहले तो ये न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देते हैं जो पानी में आ करके के दिखा रहे हैं कि कैसे SDRF ड्यूटी करता है। वाकई में हम लोग का ड्यूटी टॉप होता है, क्योंकि किसी को पानी में बचाना बहुत ही टॉप होता है, लेकिन हम लोग का प्रशिक्षण मिला हुआ है कैसे बचाना है और अभी तक कोई अनहोनी नहीं हुआ है। हम लोग यहाँ से लगभग 5-7 घाट है, 5-7 घाटों पर हम लोग अभी देख रहे हैं बच्चा सब गहरे पानी में जा रहा है, तो उसको हम लोग मना कर रहे हैं, फिर मान रहा है। पानी में आने के बाद स्वाभाविक है सब लोग मस्ती करने लगता है, लेकिन हम लोग याद दिलाते हैं कि ज़्यादा मस्ती नहीं करना है। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर योद्धा के तौर पे खड़े हैं पानी में, राहत से बचाने के लिए यह योद्धा बन के, योद्धा वीर बन के पानी में खड़े हैं। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जैसा कि व्यूज है या नज़ारा है श्रद्धालुओं का गंगा स्नान के लिए। उनके मन में आस्था प्रकट हुई है और प्रकट हुई है क्यों, क्योंकि भगवान के प्रति इनकी भावना उतनी ही अधिक है। इसी तरह आप लोग दिव्य नेशन को देखते रहें, और भी लोग हैं, आप अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम हुआ डॉक्टर विपुल सिंह। यहाँ जो है सो 2010 में कुछ नहीं था, तो यहाँ लोग श्रद्धालु लोग आते थे पूजा करने के लिए, गिर जाते थे, गोरहा टूट जाता था, कपार फट जाता था। हम लोग जो है सो यहाँ देख के जब उस दर्द को बर्दाश्त नहीं किए तो विचार किए कि यहाँ एक सीढ़ी बनना चाहिए। ऐसे ही आनन फानन में हम लोग कुछ पैसा इकट्ठा करके और छोटा सा एक 10 फीट सीढ़ी का निर्माण किए, लोगों का आना जाना बढ़ता रहा
और जो यहाँ दान के रूप में लोग चंदा के रूप माने दान के रूप में जो पैसा देते हैं उसी पैसा से ये सब देख रहे हैं अभी जो यहाँ बना हुआ है सब इसी पैसा से बना हुआ है और हम यहाँ के संस्थापक हैं। बहुत ही पुण्य का काम किया है आपने कि श्रद्धालुओं के लिए जिनके लिए यह सुविधा पहले कोई सुविधा नहीं थी 2010 तक, लेकिन इन्होंने अपने पैसा से चंदा करवा के और आज इस घाट का दिशा और दशा ही बदल दिया। शायद यही वह वजह है जिस कारण यहाँ पे श्रद्धालुओं जमकर आते हैं और गंगा स्नान करते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु कहाँ कहाँ से आते हैं? मधुबनी जयनगर तक लोग यहाँ आते हैं स्नान करने के लिए। भक्त का आस्था कभी टूटा नहीं जाता है, छूटता नहीं है भगवान के प्रति, और वाकई में भगवान भी उस भक्त का साथ नहीं छोड़ते हैं तब तक जब तक कि उसका मनोकामना पूर्ण न कर दे, मनोकामना सिद्ध न कर दे। ऐसे ही आप दिव्य नेशन को देखते रहे। कैमरामैन सतीश के साथ मैं दिव्यांशु, धन्यवाद।